सुफियान चील, आपको अपने चैनल ब्लू आइज इंटरटेनमेंट खुश आमदीद कहता है। आज के जो एपिसोड का बुनियादी मकसद था कि वो आपको एक तो वैक्सीनेशन सिखाना था और मैं आपको अपनी ये फीमेल दिखाना चाह रहा हूँ, ये दो किस्म की बीमारियों से सफ़र कर रही है, जैसा कि मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि एक तो इसका आँख का मसला चल रहा है और स्वेर आप इधर से देख सकते हैं इसकी के फर कितनी गिली हुई है, और ये एक किस्म की एलर्जी है। इसका आपको एक मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा। सेकंडली जो बेसिकली बताना है, इसको ये फंगस से मैं सफ़र कर रही है, इसके कान इस कान में कम है और दूसरे कान में आपको दिखा सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा फंगस है। आज इसकी एक तो वैक्सीनेशन करेंगे और इसके लिए मैं तीन चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, जो एक डेक्साक्लोर ड्रॉप्स हैं, ये इजीली आपको मेडिकल स्टोर से मिल सकते हैं और इसकी कीमत इंतहाई मुनासिब है, 30 रुपये में अवेलेबल है। ये आप सुबह शाम डेक्साक्लोर दो दो ड्रॉप्स इसकी आंखों में डालेंगे और तकरीबन ये 3 से 4 दिन का ट्रीटमेंट चलेगा। और सेकेंडली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके साथ, ये टर्मी क्रीम है, टर्बीनाफीन है, ये मैं ओरली इसके कानों में लगा रहा हूँ, मैंने लगा चुका हूँ इसको ऑलरेडी, और इसमें मैं टर्बीनाफीन इसको मैं टॉपिकली इसके कानों में लगा रहा हूँ, ताकि एक तो ये इससे भी कवर हो जाएगा और सेकेंडली मैं इसको इसकी वैक्सीनेशन भी करवाऊँगा। और ये बीमारी कोई बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, मगर आप अपने पेट को हमेशा देखते रह करें, वक्तन फ़ौतन इसके कानों को चेक किया करें, उससे आपको डिफरेंट मालूमात मिलती है, क्योंकि आपका बीमारी में सफ़र तो नहीं कर रहा है, या किसी बुखार वगैरह में या कोई ऐसी फंगस वगैरह में। और अब मैं आपको इसकी वैक्सीनेशन सिखाऊँगा। मैं ये सिरिंज जो यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको ईज़िली मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, और जो वैक्सीनेशन में साथ में इंजेक्शन यूज़ होगा आइबोटेक है, ये आपको किसी भी वेटनरी शॉप से इजीली मिल जाएगा और ये तकरीबन हर इलाके में मौजूद है और इसके नाम डिफरेंट हो सकते हैं और ये तकरीबन आपको 90 रुपये में मिलता है। और ये एक मेडिकल स्टोर से आप इंसुलिन सिरिंज परचेज कर लें, और आइवोटेक इंजेक्शन यूज़ होगा और इसकी आप 0.2 क्वांटिटी यूज़ कर सकेंगे। अगर तो फीमेल नॉन प्रेग्नेंट हो तो फिर आप 0.2 तक लगा सकते हैं या 0.3 तक ना जाएं। मैं 0.1 लगा रहा हूँ, 0.1 लगाने का मकसद ये है कि प्रेगनेंसी को कोई मसला ना हो, मिस कैरिज ना हो। और मैं अब आपको लगाने का तरीका बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल कानों की बैक साइड पे जाएंगे और आप वहाँ से इसके मास्क को उठाएँगे और हल्का सा उस मास्क के अंदर से आप सिरिंज करेंगे गुजारेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली इंजेक्ट कर देंगे। ये वैक्सीनेशन का तरीका बहुत ही आसान है, इससे जैसे ही ये फीमेल रिकवर होगी तो मैं दोस्त को ज़रूर कहूँगा कि वो मुझसे वीडियो शेयर करे और मैं आपके साथ ये वीडियो इंशाल्लाह दोबारा शेयर करूँगा इसकी मुकम्मल रिकवरी के बाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप अपना नंबर शेयर कर दूँगा। इन दो बीमारियों के अलावा भी आपका रैबिट किसी भी किस्म की बीमारी में सफ़र कर रहा है तो आप उसमें शेयर कर सकते हैं उसकी तस्वीर, पिक्चर या कमेंट्स में।